जब कभी हमारे बालों का हेयर फॉल शुरू होता है यानी कि बाल गिरने लगते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहीं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, हम सबसे पहले परेशान होना शुरू करते हैं और उसी परेशानी में हमारे बाल और भी ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो करना क्या है कि परेशान होना बंद करना है और सॉल्यूशन ढूंढना है। आज देखिए इस वीडियो में बालों को प्रॉपर ग्रो करने के लिए क्या करना है हमें। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे और थैंक यू सो मच वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन अगेन, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, देख रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया। और हाँ, अगर प्लीज़ वीडियोस पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें, शेयर किया करें। उससे ये होता है कि ये जो वीडियोस हैं हमारे YouTube के उन मेंबर्स तक भी पहुंचाई जाएंगी जो अब तक हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सके हैं। बालों का जब हेयर फॉल शुरू होता है तो उसमें भी हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। हम कोई इलाज नहीं ढूंढते, कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते, सबसे पहले तो हमें एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि अब ये बाल गिरने लगे हैं तो अगर इसी रफ्तार से गिरते रहे तो क्या होगा, गंजपन हो जाएगा और बाल सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम से हेयर फॉल हो, बाल गिरने लगे तो उसमें यकीनन हमें ये साइन बता रही है कि बाल गिर रहे हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लिया करें फ़ौरन से, क्योंकि वो तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आपके बाल गिरना शुरू हुए हैं थोड़ी बहुत हल्के फुल्के तो प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, आप उसका बहुत आसानी के साथ सोल्यूशन तलाश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नेचर के अंदर एक पावर है ना हमारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इसी तरह से एक पावर बहुत बड़ा हमारे और आपके अंदर भी होता है। वो होता है हमारा अपना सेल्फ हीलिंग पावर। और वो सेल्फ हीलिंग पावर जो आता है वो इधर से आता है, जो ब्रेन जो है ना वो आपके हर बॉडी के जो बिलियन ट्रिलियन जो सेल्स हैं हमारे उन सबको मैसेज भेज रहा होता है कि आप ने ये सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं और आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होता, तो फिर बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। तो जिस तरह से नेचर में पावर है, इसी तरह से बहुत बड़ा पावर आपके और हमारे अंदर होता है, हीलिंग पावर। यानी कि ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ कि जब हम अपनी सोच को मस्बत रखते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, अपनी सोच को इस तरह से रखते हैं किसी भी काम को करने की इरादा जो होता है ना कि हम ये कर सकते हैं और ये ठीक हो जाएगा, तो वो मामला बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, बहरहाल आज की जो वीडियो है हेयर फॉल के हवाले से, हेयर ग्रोथ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आपके आते हैं तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि सपोर्ट कर सकती हैं, आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, मैं ज़रूर वो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताती जाऊंगी चाहे आप उसको ये कहें समटाइम्स कि गज़ल डायरेक्टली रेमेडी की तरफ आ जाया करें, वैसा होता नहीं है, रेमेडी भी बताऊंगी लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच बीच में। अच्छा, बाय द वे बाल जो गिरते हैं ना वो आपको पता है सबको कि बहुत सारे रीजन से गिरते हैं, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा रीज़न होता है। नींद की कमी की वजह से हमारे बाल बहुत गिरते हैं, शायद आप लोग इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हेरिडिटरी फैक्टर है, यानी कि हमें विरासत में पेरेंट्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके बाल जल्दी गिर गए तो हमारे भी गिरेंगे। जीन में जो चीज़ें आती हैं ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, उनको उनके होने को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो आप सबको पता है कि बाल लंबे, थिक, स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, कि उनकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी। सिंपल बात है, पौधा भी होता है, उसकी भी जब तक रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसको अगर आप सही तरह से ग़िज़ा नहीं देते हैं तो वो घना दरख्त नहीं बन पाता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से हमारे बालों की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उसको देनी है, और वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो रेमेडी देख लेते हैं जो बालों को सुपर पावरफुल, एक हेयर पैक जो आपके बालों की ग्रोथ बहुत बेहतर करेगा। बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर ज़ाहिर है लंबे होंगे, थिक होंगे, शाइनी होंगे। फिर उसके बाद आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताने जाऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। अच्छा, अब आपको एक प्याले में लेना है जो फुल क्रीम दही जो मिलती है मार्केट में, आम योगर्ट, वो लेनी है हाफ कप, यानी कि अराउंड 4 to 6 टेबल स्पून्स, क्योंकि दही के अंदर एक ऐसा पावर मौजूद है जो हमारी स्कैल्प को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा, ताकि हमारे पोर्स जो हैं हमारे स्कैल्प के वो क्लॉग ना हो। अक्सर डेंड्रफ की वजह से वो क्लॉग हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है, डेंड्रफ की वजह से बाल गिरते हैं। तो जो दही है वो एक ऐसा कंडीशनर का काम करेगा जो आपके बालों का फ्रिज भी कंट्रोल करेगा, आपके बालों में शाइन भी पहुंचाएगा, हमारी स्कैल्प का पीएच लेवल बेहतर होता है और आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर हम डालेंगे एक और ज़बरदस्त सा सुपर इंग्रेडिएंट, वो है सीकाकाई पाउडर। जी, सीकाकाई पाउडर में इतना पावर है ये नेचर का, इसमें इतने सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स ए सी डी ई के,
ये सारे जो आपके बालों के जो फॉलिकल्स को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, आप सोच नहीं सकते हैं जिससे बाल कितने आपके स्ट्रांग होंगे। अब इसके अंदर हम एक और बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है अनियन जूस। अनियन के अंदर सल्फर की इतनी मिकदार पाई जाती है जो हमारे बालों के फॉलिकल्स को इतना स्ट्रांग करता है, हमारे बालों का एक सुपर फूड समझ लें गिरने के हवाले से, वो आपके बालों के हेयर फॉल को रोकने में बहुत हेल्प करेगा। आइडियली अगर आपको लाल प्याज जो मिलता है ना, जो तेज़ रंग का होता है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो अगर बहुत तेज़ कलर वाला लाल आपको पर्पल कलर का, लाल तो नहीं पर्पल, पर्पल अगर अनियन या प्याज मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर वाइट कलर का जो प्याज होता है नॉर्मली जो अवेलेबल है वो प्याज ले लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। तकरीबन हमें चाहिए होगा 4 टीस्पून के करीब, ठीक है, वो आप जूस ले लीजिए। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके बालों को एक इलास्टिसिटी देगा, आपके बालों को एक चमक देगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके बालों की ग्रोथ को बहुत बेहतर करेगा। और आपको इस मास्क के अंदर ऐड करना है एक और बहुत ही सुपर इंग्रेडिएंट, और वो है आपका सेल्फ हीलिंग पावर। मास्क को देखना है और सोचना है कि ये मास्क मैं लगाऊंगी अपने सर पर और मेरे बालों का हेयरफॉल रुक जाएगा। आप ट्रस्ट करें, ये जो एतमाद और ये यकीन है ना, इस जो हेयर पैक है इसकी पावर को डबल कर देगा। तो इसको अब सिंपली आपने अपने रूट्स में लगाना है, पूरे बालों को नहीं लगाना है, रूट्स में आप सेक्शनिंग करते जाएं, अपनी बालों की पार्टिंग करते जाएं और लगाते जाएं उसके बालों को। इसके साथ अगर आप चाहें तो अपने बाकी जो बाल हैं उनको आप ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक हफ्ते में 2 दफ़ा इस मास्क को लगाएं तो फिर ऑयल कब लगाएं। तो ये भी हो सकता है कि आपने मास्क रूट्स में लगा के और साथ ही बाकी बालों को आपने ऑयल लगा दिया, कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं, मैंने ऑयल पर वीडियो बनाई है, ये भी देख सकते हैं कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ। उसके बाद आपने बालों को थोड़ा सा स्टीम देने के हवाले से, मैं स्टीमर यूज़ करती हूँ लेकिन आज मैं हॉट टॉवल जो है वो आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से पानी को बॉईल करना है। उसके अंदर चूल्हा बंद करके और कोई सा भी पतला सा टॉवल आप डाल दीजिए जो सॉफ्ट सा हो और आपके बालों में बहुत ज़्यादा मोटा टॉवल ना हो, बहुत ज़्यादा वेट ना हो बालों में, क्योंकि फिर रूट्स पर जब वेट आता है तो रूट्स खिंचती हैं। तो पतला सा एक टॉवल डाल दीजिए उस बॉइलिंग वाटर के अंदर, उसको फिर टोंग से निकाल के प्लेट में डाल रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो उसको निचोड़ के और अपने बालों पर रख दीजिए सिर्फ 5 से 10 मिनट तक, जब तक कि वो हीट उस टॉवल में है। जैसे ही उस टॉवल की हीट ख़त्म हुई, वो टॉवल ठंडा हुआ, आपको उसको हटा देना है टॉवल को। और अगर आपको ये लगता है कि इस के अंदर अनियन जूस है, बहुत गंदी स्मेल होगी, तो ट्रस्ट मी, वो जो सीका काई पाउडर और जो दही के अंदर जो मिक्स हुआ है तो वो सारी जो अनियन की स्मेल है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और बल्कि मुझे तो और अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी थी, मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रही थी इसको लगाते वक्त। तो कोई भी चीज़ लगाएं, इसको इन्जॉय किया करें, बेजारी के साथ कभी कोई काम ना किया करें, कभी कोई किसी काम को बोझ समझ के ना किया करें। इस मास्क को 1.5 घंटे से 1 घंटे तक लगाएं, 1.5 से 1 घंटे तक हर चीज़ अब्सॉर्ब हो जाती है आपके रूट्स में। बालों को वॉश कर लेना है, सिंपली शैम्पू कर लें बालों को, और अगर आपको ऐसे फील होता है कि एक दफ़ा शैम्पू काफ़ी नहीं तो आप 2 दफ़ा शैम्पू कर लीजिएगा रूट्स पे, और बिल्कुल आराम से आपके ये मास्क क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, इवन आपको शैम्पू के बाद कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ऑयलिंग भी साथ में की है तो। और ज़बरदस्ती सुपर ड्रिंक आपके बालों के लिए, आपके बालों के हेयर फॉल को रोकेगी, आपके बालों को बहुत अच्छा ग्रो करेगी, और वो है कोकोनट वाटर, नारियल का पानी। अगर आप पी सकें रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, बजाय वो अनहेल्दी ड्रिंक्स पीने के, उन पर पैसा खर्च करने के, हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, ऐसी ड्रिंक्स जो आपको फ़ायदा पहुँचाएँ। कोकोनट वाटर के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, पता नहीं क्या क्या नेचर की तरफ से तोहफे हैं हमारे कोकोनट वाटर के अंदर, जो हमारे बालों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो अगर मुमकिन हो तो वो भी एक आपके लिए पीना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और प्लीज़ ये आप जुमला ना बोला करें कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ करके देख लिया, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा अगर आपने बाकी के सारी इन चीज़ों का भी ख्याल रखा तो। क्योंकि सिर्फ अगर सर पर आप कोई चीज़ लगा रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, सो भी नहीं रहे हैं, आप खाना भी प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, अपने आप को वज़न एकदम से कम करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसका आप ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है आप कोई भी चीज़ लगा लें, आप दुनिया की महंगी तरीन ट्रीटमेंट कर लें, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो आपके लिए एक मैजिकल एक वो ट्रीटमेंट बन जाती है, नेचुरल ट्रीटमेंट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से राउंड सर्कल में जो मेरा फेस नज़र आ रहा है क्लिक कीजिए, इसे नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी
बहुत सारी मजे मजे की जो वीडियोस बन रही हैं वो मिस ना कर जाएं। और अब आप मुझे गजल सिद्दीक ऑफिशियल पर टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।